तूने मुझसे इतना बड़ा सीक्रेट छुपाया। तूने मुझे सिखाया था ना कि बेस्ट फ्रेंड्स के बीच कोई सीक्रेट नहीं होता। नहीं अली, ऐसा नहीं है। अली, अली, अभी ने हमारी फ्रेंडशिप का रूल तोड़ा और मुझे बहुत बुरा लगा। नहीं अली, ऐसा नहीं है। रुक, नहीं अली, ऐसा नहीं है। अली रुक, मैं तुझे सपोर्ट देती हूँ, तू गिर जाएगा। सपोर्ट? तूने तो मुझे सीक्रेट रखने के लायक भी नहीं समझा। नहीं अली, ऐसा नहीं है। रुक, हाथ मत लगा मुझे। मूषक रूठे हुए दोस्त को बुलाना पड़ेगा। माँ, माँ ये देखिए, माँ 16 तारीख को हमें रमेश भाई से 50,000 शर्ट के ऑर्डर मिले थे और ये हमारे रेगुलर क्लाइंट है। और ये एग्जैक्टली 2 दिन बाद 18 तारीख को उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। और पता है किसको दिया? वो डबल ए कंपनी को। और ऐसे ही जिग्नेश भाई ने हमारे साथ किया। रमेश भाई, जय श्री कृष्ण। ये जय श्री कृष्ण दयाबेन। वो क्या है ना रमेश भाई, इतने सालों से हम आपके साथ व्यापार कर रहे हैं, फिर ऐसी कौन सी भूल हुई हमसे कि आपने इतना बड़ा ऑर्डर कैंसिल करवाया? अरे कैसी बात कर रही हो दयाबेन, आपसे और भूल? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो दूसरी कंपनी आपसे आधे दाम में और बेहतर क्वालिटी का माल दे रही है और डिलीवरी भी 1 हफ्ते के अंदर, तो हमको तो फायदा ही हो रहा था ना। और दयाबेन, धंधे में रिश्ता नहीं मुनाफा देखा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने रमेश भाई, धंधे में तो सिर्फ मुनाफा ही देखा जाता है। मैं मेरे धंधे में कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। रास्ते पे खड़े रहकर एक एक कपड़ा बेचा है मैंने, तभी तो इतनी बड़ी मेहता इंडस्ट्रीज खड़ी हो गई है। आज तक मेरे हाथ से कोई ऑर्डर नहीं गया था और आगे भी नहीं जाना चाहिए। किसकी है ये डबल ए कंपनी? मैंने इंक्वायरी की थी लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता। जो इस ऑफिस का रजिस्टर एड्रेस है ना, मैं वहां भी गया था लेकिन वहां पर वीराने में सिर्फ एक कमरा है जहां कोई भी नहीं था। तो पता कर केतन, केतन बिजनेस में हमें हमारे प्रतियोगी की हर चाल पर नजर रखनी चाहिए। और तू तो यहाँ इतना बड़ा ऑर्डर हार गया है, आगे जाके कैसे बिजनेस करेगा तू? हाँ मैंने कोशिश की थी। हाँ माँ, मुझे उनके सेल्स वालों से एक चीज पता लगी है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम कबीर है। कबीर? पूरा नाम क्या है? वो नहीं पता। अरे तो पता कर केतन। कबीर, 2 दिन, 2 दिन के अंदर मुझे ये कबीर मेरे घर में मेरे सामने चाहिए, समझे? अरे भास्कर यार, भास्कर, अरे मुझे पता तुझे तेरी बहन के पास जाना। ओहो, और ले यार, और ले, संभालो अपने चोटे पर आको, सुनता ही नहीं है तू। और लात तो इतनी जोर जोर से मारा जैसे मुझे अभी गिरा देगा। हैप्पी फेस्टिवल टवल, आज तुम्हारा बर्थडे। आपको पता है मामा को कोई भी पूरे 1 महीने हो गए, पर कोई बात नहीं, हम आज का दिन हमेशा सेलिब्रेट करेंगे मम्मा के साथ, क्योंकि मम्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी, है ना? I have a surprise for you. अरे 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 अरे,
बर्थडे सिंह, आपसे तो बर्थडे है। हैप्पी फर्स्ट बर्थडे माय लड्डू सिंह, ये देखो। अजी लड्डू सिंह का बर्थडे तो लड्डू तो खाड़ा बनता है। और चलो जी चलो, फटाफट आओ लड्डू लाकर जाओ, जब भी ना पाओ और बाहर निकल जाओ। तुसी मिलाओ जी। अमन हमारी नई ड्रेस कितना क्यूट लग रहा है। मेरे बाबू अपने बर्थडे पे नए कपड़े पहनने का। आजा आजा। नहीं नहीं चल फोटो फोटो आजा। और लड्डू सिंह स्माइल कर। एक मिनट मम्मा, ऐसी और मम्मा ऐसी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ओ यार तुसी ऐते हो, मैं किन्ना मिस किया तेनू, मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढिया, इन्ना मिस किया कि मैं गश्त पे निकल गया, सोचा कि तुसी किधर ना किधर तो मिले जाओगे, पर तुसी कहीं ना मिले, ऐते खड़े हो, कहाँ गए थे? मैं तो अपने कमरे में ही थी, आ जाते मिलने। मुझे तुहाडे कमरे में बिना इजाजत? और ना जी ना, तुसे नाराज हो जाते तो। अब बस एक और मिनट पप्पी जी। हाँ जी, पहले मैं इनको देख लूं, फिर हम दोनों आराम से बैठ के बातें करेंगे, ठीक है? हाँ जी। ओए गलत बात है यार, अब मैं तुहाडे सामने खड़ा था, थोड़ा ध्यान ही नहीं है मुझ पे, मैं बात नहीं कर रहा। गुस्से में आप कितने अच्छे लगते हो पप्पी जी, फोटो ले लो। ले लो। अब एक सेल्फी। आओ जी। ओ जी आइडिया तो बड़ा अच्छा है तुम्हारा, बट सेल्फी ऐसे अब कहीं बाहर चले हवा खाते हुए सेल्फी ले लेंगे। एंड जी आओ जी। मैं आया जी। समझाया था ना तुझे, भूल गई तू? वापस लेकर जाओ तेरे भाई को वहां। देखो रिया, अगर मेरे भाई को हाथ भी लगाया ना, हाँ तो क्या कर लोगे तू? हाँ अरे अरे छोड़ो नहीं, छोड़ बोलिए, छोड़ छोड़ो नहीं, छोड़ आ तू, बड़ी प्रॉब्लम है इस घर में, लौटे ऑर्डर की है, जिसको देखो लड़ना शुरू हो जाता है। अब क्या सबके पीछे एक पुलिस वाला लगाऊं मैं? एक बेचारा पप्पे सिंह कितने लोगों को संभालेगा? नहीं तो मेरी गलती नहीं है, दादी ने कहा था कि हम मोहित के साथ नहीं हो सकती, पर इसने रूल तोड़ा। अच्छा जी, तो क्यों हो गया बेटा? लड्डू सिंह में आया। और जी कब बात कर रहे हो ऐसा? ओए तुम्हारी कंप्लेन आई है, तूने बच्चे को किडनैप किया, तब पानी में फेंकने की धमकी दी, अभी इसकी सजा मिलेगी, तो बड़ा गुनाह। मेरा डंडा किधर है? और तैयारी अभी डालता हूँ मैं तुमको चूहे वाली काल क्वार्टरी में। मेरे क्यूटी पाई दीदी के होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, दीदी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहूंगा। अलादीन, हमारे पास सिर्फ 7 दिन है और इन 7 दिनों में हमें बहुत कुछ करना है। मिसेस दयावंती मेहता के खिलाफ सबूत भी इकट्ठे कर ले हैं इन 7 दिनों। हमने तेरे बताने के बाद ना मैं उस एक्सीडेंट वाली जगह पे गया था और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हमारे हाथ को सबूत लग पाना। हाँ अलादीन, बस एक सही सबूत और फिर मैं मिसेस दयावंती मेहता को छोड़ूंगी नहीं, उसके किए हुए की सजा मैं उसे दिल पाकर रहूंगी। आई प्रॉमिस।